एक्चुअली बियर पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि शोशा बना हुआ है कि कि बियर नहीं पीनी है, गलत चीज है। लेकिन पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियर पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या गर्मी निकलती है अंदर की? अच्छा भी निकलती है तो नशा नुशा कक नहीं चढ़ता। बच्चे फ्रूटी लेने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे, साथ में बियर ले आएंगे पापा के लिए। अच्छी बात है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। स्ट्रेस कम होता है, इतना नशा ही नहीं है, कोई लिमिटेड क्वांटिटी में है। आपको भी बियर का नशा नहीं चढ़ता? नशा क्या है यार, एक वॉशरूम जाओ तो उसी वक्त नशा खत्म है इसका। बियर की है ही नहीं कुछ, वाइन पियो तो 4 बजे तक असर आता है सुबह तक। अच्छा। फ्रेश फील कहते हैं। एक एक आपने की वॉश गए ऐसे भी 15 मिनट का सुरूर है जो सही। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। बियर हर जगह होनी चाहिए, ओपन ओपन होनी चाहिए। क्यों? सेहत के लिए अच्छी है। बियर सेहत के लिए अच्छी होती है? किसने बताया? ये डॉक्टर कहते हैं। कौन सा डॉक्टर है, नाम बताना उसका। इनको पथरी पूछो, कहता है बियर पियो ठीक, बियर पियो ठीक हो जाओगे। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि जो सूफी बंदा होता है ना वो बिल्कुल बियर भी पी ले ना उसको उसको कोई असर नहीं है। अरे मुझे चढ़ती नहीं, अरे मुझे यंग जनरेशन को खराब करने वाली बात है। और ओल्ड जनरेशन को? ओल्ड जनरेशन इतनी बियर पे नहीं जाती है तो यंग ही जाते हैं। वो किस पे जाते हैं? ओल्ड किस पे जाती है? ओल्ड तो जाते हैं वो, फिर वो अपर वाली जिसमें ज्यादा अल्कोहल होता है उनकी कैपेसिटी बढ़ गई होती है। आम भी बंदे ले सकते हैं ऐसे। हाँ। जो लेने जाएगा थोड़ा सा शर्म आएगा भी। हाँ। लेकिन जो आम बता जी लेने चला जाएगा। आप जब जाते हो शर्माते हो? बिल्कुल ठीक है जी, जिथे जाओ आराम नाल मिल जाएगी। यहाँ खज्जल खराबी होती है, आराम नाल मिलेगी। खज्जल खराबी कब होती थी? कभी बंद या कोई अपने माल जाओ उधर ले लो, रात के दुकान बंद करके जब जाओ तो बंद, तो अब मिल जाएगी। तो ये सही चीज हो रही है आपके साथ? सब सही है जी, सही है, अच्छी बात है। वाइन शॉप 9:30 बजे बंद हो जाती है। आफ्टर दैट हम देखो ना, दुकानदारों के लिए तो दुकानदारों के लिए सही है, बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा ही है। तो उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाके बंदा बियर ले सकता? मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ, मुझे इतना मालूम है ना, खुद थोड़ी लोगों की बात कर रहे हैं हम तो। क्योंकि उनके घर का बंदा ठेके भी नहीं जाएगा, जितनी पाबंदी होगी दुकान किराने की दुकान से उधार लेके आएगा। क्या बात, तो मतलब आप बियर भी लोग उधार पे ले लेंगे? ये उधार पे लेंगे, घर का राशन जैसे उधार पे चल रहा है ये भी उधार पे आएगी। और क्या भैया, गोवा में होता बाहर होता था ना, अब 370 ड्यूटी बना के इधर जे सब कुछ कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। एलजी सरकार का आया एक नया फरमान। जी हाँ, आपको बियर मिलना हो जाएगी और भी आसान। बिल्कुल डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर अब जो है बियर आपको मिलेगी। एलजी साहब ने ये ऑर्डर जो है वो पास कर दिया है। लेकिन क्या हमारी जम्मू की जनता इस ऑर्डर को पास करती है या नहीं, वही पूछने आज हम आए जम्मू की सड़कों पे। तो आइए चलिए चलते और पूछते लोगों से कि बियर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अंकल जी ये सुनो सुनो सुनो, ये एलजी साहब का ने ऑर्डर आया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर अब बियर मिल जाएगी, तो ये सही ऑर्डर है गलत है? देखिए सर, जहाँ पे भी मिले लोगों ने पीनी है। लोगों ने पीनी है तो बस जहाँ मर्जी मिले। हाँ। और वो ठीक है, वाइन शॉप पे कौन सा काम मिलता है वहाँ पे भी वही सेम रेट पे मिलेगा। हाँ। बात खत्म होगी, उधर भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग बोल रहे लेकिन उधर ऐसे बच्चे बच्चे जाएंगे तो क्या पता वो भी ले ले। बच्चे बच्चे तो बच्चे पीते नहीं है क्या? बच्चे थोड़ी पीते, सारे पीते नहीं पीते। अंकल यार आपने कहा देखे बच्चे पीते, किसके बच्चे पीते? मेरे कहने जो अडल्ट एज में है 18 साल से ऊपर वो ले सकते हैं, लेकिन वो उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि उनको दें जो 18 साल से ऊपर हैं। आप लोगे डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाके बियर? हाँ क्यों नहीं, आप लोगे? कोई बात नहीं, कोई टेंशन। सही बात, एलजी सरकार का ना नया ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अब आपको डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी बियर मिल जाएगी। अच्छा, तो क्या बोलते हो, सही चीज है गलत चीज है? एक्चुअली बियर पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि शोशा बना हुआ है कि बियर नहीं पीनी है, गलत चीज है। लेकिन पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बियर पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या गर्मी निकलती है अंदर? गर्मी निकलती है तो नशा नुशा कक नहीं चढ़ता? एक्चुअली नशा तो चढ़ता है मगर एक गला जो हल्का माइनर, क्योंकि जो सूफी बंदा होता है ना वो बिल्कुल बियर भी पी ले ना उसको उसको कोई असर नहीं है। बियर? मैंने तो आज पहली बार सुना आपसे। क्या? हाँ हो रहा है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये गलत हो रहा है, मिल जाएगी। ये तो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है कि छोटे छोटे बच्चे पहले ही ड्रग्स कर रहे हैं, कोई नशे से मर रहा है, कोई कहाँ किसी की डेड बॉडी तो ही मैं किसी की कहाँ पे, तो अब ज्यादा होगा। आपके हिसाब से टोटल गलत है? ये टोटल गलत है भैया। आपके हिसाब से कितने की? 150 की भैया। आपके हिसाब से भैया? अच्छा मतलब आपके हिसाब से एलजी सरकार का ये ऑर्डर सही है, मिलनी चाहिए बियर डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी? मिलनी चाहिए। वाइन नहीं मिलनी चाहिए, बियर मिलनी चाहिए? वाइन नहीं मिलनी चाहिए, बियर मिलनी चाहिए। इस तरफ भैया ठीक है, मिलनी चाहिए बियर डिपार्टमेंटल स्टोर पर? नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए सर? है बिल्कुल, क्यों मिलनी चाहिए?
क्यों मिलनी चाहिए यार, स्ट्रेस कम होता है, इतना नशा है ही नहीं है, कोई लिमिटेड क्वांटिटी में है। आपको भी बियर का नशा नहीं चढ़ता? नशा क्या है यार, एक वॉशरूम जाओ तो उसी वक्त नशा खत्म है इसका, बियर की है ही नहीं कुछ। वाइन पियो तो 4 बजे तक असर आता है, सुबह तक फ्रेश फील कहते हैं। एक एक आपने वॉश गए ऐसे ही पिया, 15 मिनट का सरूर है जो सही फ्लैट सरूर चढ़ता है, उसके बाद भी एक्सपीरियंस है मेरे भाई को। हाँ बिल्कुल एक्सपीरियंस है। तो आपके हिसाब से सही है, डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ 10 बजे तक ओपन रहनी चाहिए वाइन शॉप्स वगैरह। तो ये सही ऑर्डर गलत है? ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आम भी बंदे ले सकते हैं, ऐसे जो लेने जाएगा थोड़ा सा शर्माएगा भी। हाँ। लेकिन जो आम बता जी लेने जाएगा, आप जब जाते हो शर्माते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से नहीं मिलनी? नहीं बिल्कुल नहीं। बियर हर जगह होनी चाहिए, ओपन ओपन होनी चाहिए। क्यों? मैं सेहत के लिए अच्छी है। बियर सेहत के लिए अच्छी होती है? किसने बताया? ये डॉक्टर कहते हैं। कौन सा डॉक्टर है, नाम बताना उसका? इनको पथरी पूछो, कहता है बियर पियो ठीक हो, बियर पियो ठीक हो जाओगे। ये मैंने बड़े बड़े बंदों से सुना है यार, ये सही है नहीं है कमेंट में बताना। मुझे प्रॉब्लम आई थी, डॉक्टर ने कहा था बियर पियो। लाइट को प्रॉब्लम आई थी, अपने बियर पी ठीक हो गए? नहीं बियर पी नहीं कहा था डॉक्टर ने, कहा था आपने थोड़ी डॉक्टर पीने वाला होगा, पी नहीं। अच्छा, तो आपके हिसाब से सही ऑर्डर है ये वाला? बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, बस ओपन होना चाहिए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बियर अच्छी चीज थोड़े हो गई, ये तो खराब ही है, सेहत के लिए भी खराब है और ऐसे भी खराब ही है, नहीं होनी चाहिए। तो क्या सही ऑर्डर है? गलत है? नहीं गलत है जी। तो क्यों गलत है? ऐसे मोहल्लों में आगे पीछे थोड़ा बच्चे भी खरीद सकेंगे, ऐसे 18 उम्र के ऊपर तो कम से कम बच्चे जाते तो नहीं ना। वाइन शॉप पे तो नहीं जाते? नहीं जाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाते हैं? आज चले जाएंगे। हाँ कौन उनको मना करेगा? बच्चे फ्रूटी लेने जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेने जाएंगे, साथ में बियर ले आएंगे पापा के लिए, पापा के लिए बियर ले आएंगे। 12 साल का बच्चा वो फ्रूट मांगेगा, फ्रूटी वो दे देंगे, वो ठीक है। हाँ। अच्छी बात है, गवर्नमेंट जो करती है अच्छा ही करती है। गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है? गवर्नमेंट हर एक आदमी के बारे में सोच रही है, आसान कर रही है वो सब कुछ। वैसे भी आप वैसे तो ठेके बंद हो जाते हैं 9 बजे। हाँ आप जब मर्जी जाओ, 10 बजे जाओ 10 बजे मिलेगी, बच्चे को भेजो वो भी ले आएगा। ये सार्कास्टिकली था वैसे सारा कुछ। तो ये सही ऑर्डर गलत है? गलत है। क्यों? बिल्कुल गलत है। बियर और वाइन जो तो जेड में आम कर दिए इन्होंने, जो कि काम होनी चाहिए आम पब्लिक के लिए, उससे में पब्लिक भी सेफ है और आने वाली जनरेशन भी सेफ है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी आपको बियर मिलेगी? हां जी, भैया को सारा पता है। तो क्या लगता है, सही है गलत है? सही है, अच्छी बात है। वाइन शॉप 9:30 बजे बंद हो जाती है, आफ्टर दैट हम देखो ना, दुकानदारों के लिए तो दुकानदारों के लिए सही है, बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा ही है। तो उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाके बंदा बियर ले सकता? मैं तो ड्रिंक करता नहीं हूँ, मुझे इतना मालूम ना, खुद थोड़ी लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनके लिए सही है बियर? सही है, और क्या, अच्छी बात है। तो आपके तो दुकान से लेगा कोई जाके डिपार्टमेंटल? लेंगे ना, ये भैया से पूछो आप। तो भैया भैया जी ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर बिक रही है, ठीक है, आपको क्या लगता है ठीक है गलत है? गलत है। गलत है? क्यों? ये भैया आपके मां का पत्र वाला, ये भैया भी पत्र वाला। पापा की जी गलत है, दस समी जी की जी गलत है? गलत है ना की जी? नहीं में ले गोवा में होता, बाहर होता था ना, अब 370 ड्यूटी बना के इधर जे सब कुछ कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। ये लगता है आपकी सरकार चाहती है? ये सरकार जो है ना हमारे डोगरों को बिल्कुल खत्म करना चाहती है। ये बियर तो जो वाइन शॉप पे मिलनी चाहिए ना, लेकिन अब कह रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी मिले। हाँ सुना है मैंने अभी, ये करियाने वो भी बेच सकते हैं। ठीक ठीक है, गलत है? है तो गलत है, वैसे वैसे गलत है। और ऐसे जो पीता है उसके लिए ठीक है, जो नहीं पीता उसके लिए गलत है, सीधी बात है। गलत है। क्यों भैया? इसलिए कि जैसे कि अब जो बंदा जो फैमिली है उनके लिए तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ ना, कि उनके घर का बंदा अब ठेके भी नहीं जाएगा, जितनी पाबंदी होगी अब दुकान किराने की दुकान से उधार लेके आएगा। क्या बात, तो मतलब आप बियर भी लोग उधार पे ले लेंगे? ये उधार पे लेंगे, घर का राशन जैसे उधार पे चल रहा है ये भी उधार पे आएगी, और क्या होगा भैया, 4 किलो ये 5 किलो ये और साथ में बियर दो के। हाँ तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। गलत है ये चीज़, गलत है जो सरकार कर रही है, बहुत गलत कर रही है। अब तो नेचुरल देखो ना, जो ये रेवेन्यू इकट्ठा कर रही है ना दुकान दुकान से, अब खुद देख लो कि टैक्स जो कर रहा है डिपार्टमेंट, जो इनके चल रहा है मनोज सिन्हा जो चल रहे हैं हमारे जो गवर्नर हैं, अब इनको खुद देखना चाहिए कि ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का जब कोई सरकार है कोई तरीका बना रही है। अब जो बंदा नहीं भी पीता होगा, जिसको पता कि अब बाहर जाने घर पे पाबंदी है, उधार से राशन में डाल के लाइए घर पे, अब क्या होगा? सही चीज़ें गलत है? ठीक है, मैं जिसने पीनी है उसके लिए ठीक है। फिर भी आप बताओ के हिसाब से ठीक है गलत है? मैं वही कह रहा हूँ, जिसने पीनी है उसके लिए अच्छा है, जिसने पीनी है उसके लिए कोई फर्क नहीं है।
बट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बंदे की राय होती है ना, बंदा सोचता यार ऐसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं, वो कह रहे हैं यार गलत है। देखो ना आप हलवाई की दुकान पे जाओगे ठीक है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, मुझे बर्फी पसंद है ठीक है ना, सबका अलग अलग टेस्ट है, वैसे हर एक की अलग अलग सोच है, मेरी सोच है कि कोई फर्क नहीं। अपना टेस्ट बताओ ना। मेरा गुलाब जामुन का टेस्ट है वो डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो मिल रहा है वो वाला नहीं है, नहीं वो वाला नहीं है, यंग जनरेशन को खराब करने वाली बात है। और ओल्ड जनरेशन को, ओल्ड जनरेशन इतनी बियर पे नहीं जाती है तो यंग ही जाते हैं। वो किस पे जाते हैं, ओल्ड किस पे जाती है? ओल्ड तो जाते हैं वो, फिर वो अपर वाली जिसमें ज्यादा अल्कोहल होता है उनकी कैपेसिटी बढ़ गई होती है नहीं तो अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट आपके हिसाब से सही है गलत है? टोटल गलत है। और क्यों है वो? क्योंकि यंगस्टर्स खराब होते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल हो गई ना, हर जगह पे अवेलेबल हो जाएगी, अब तो किराने का सामान लेते हुए भी वो भी मिल जाएगी, वो तो गलत है ना। बियर मिलेगी सही गल है गलत गल है? जेडे अगे खराब हो और खराब हो उनकी की है, उन्होंने कमाई का साधन बनेगा गवर्नमेंट, और की करना, जगह जगह ही पहले कल कपड़े वाली दुकान पर बोलेंगे हाँ जी मिलेंगे बियर, ये बंदा की आप चाहते कपड़े वाली दुकान पर मिले, बेकार है गलत करेगा ना, ये बच्चे खराब करने वाली गल है, ये बच्चे खराब करने वाली गल है, बच्चा इतो नहीं भी होगा गली बच्चे किराने दुकान से लाके पी ले। तो ये था जम्मू की जनता का रिएक्शन, कई लोगों का कहना है कि अगर बियर डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल भी जाए तो कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, जो पिए अभी भी पिए रहा है वो तब भी वैसे पिएगा और जो नहीं पिएगा वो नहीं पिएगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अब बियर इतनी ज्यादा इजिली अवेलेबल हो जाएगी तो जो नहीं भी पीता होगा वो भी पी जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम जो है यंग जनरेशन जो है वो खराब हो जाएगी। लेकिन आपका इस सब पर क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, एलजी साहब ने ऑर्डर पास करके सही किया गलत किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, यू कीप वॉचिंग द बकलोल टीवी।